9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। पीएम मोदी का कन्याकुमारी के विवेकानंद रोक मेमोरियल में ध्यान करने का शुक्रवार को दूसरा दिन है। उनके ध्यान की तस्वीरें भी सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप अपराध में दोषी पाए जाने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति चुनावों के बीच न्यूयॉर्क में लगभग 6 हफ्तों से चली आ रही सुनवाई में उन्हें 34 आरोपों में दोषी करार दिया गया है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में गुंडे तलवारें लहराते हुए घर में घुसे, माता पिता को पीटा और फिर रेप पीड़िता को घसीटते हुए अपने साथ ले जाने की कोशिश की। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वसूलने को लेकर मोहन सरकार सख्त नजर आ रही है। जबलपुर में शिक्षा माफियाओं पर सीएम ने सभी कलेक्टर्स को कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर में नाबालिग गर्लफ्रेंड के पिता और भाई की हत्या के आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। आरोपी मुकुल ने कहा, नाबालिग लड़की का इसमें कोई दोष नहीं है, उसे केस से दूर रखो। देश के 7 राज्यों में हीट वेव के कारण 31 मई तक 79 लोगों की मौत हो गई। इसमें सबसे ज्यादा बिहार में 44 लोगों की जान गई है। झारखंड में 15 और ओडिशा में 6 घंटे में 10 लोगों ने दम तोड़ दिया। जनता दल सेक्युलर के नेता प्रज्वल रेवन्ना को विशेष अदालत ने 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। प्रज्वल का नाम सेक्स स्कैंडल में सामने आया है। उनके कई अश्लील वीडियो वायरल हुए थे। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को 30,000 कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। लोकसभा चुनाव के 4 जून को नतीजे घोषित हो जाएंगे। इसके बाद केंद्र सरकार जुलाई में केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों को बड़ी सौगात दे सकती है। जुलाई में एक बार फिर 3-4% महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद है। आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए नेशन मिरर।